रिवाइज करेंगे फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। क्लास के हर 15 मिनट में क्लास 11th का एक एक चैप्टर उठाएंगे और PYQs करेंगे हम लोग, जैसा भी हम लोगों ने और बैचेस में भी किया है। तो उनका टेस्ट 4 अगस्त को है, लेट्स सी उनका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे क्लास 11th के तुम्हारे 6 चैप्टर हैं, 1D 2D और रिलेटिव मोशन, NLM और फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी। तो ये सब ना इंटरलिंक है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ोगे तो फ्रिक्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और NLM नहीं करोगे तो वर्क पावर एनर्जी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो इंटरकनेक्टेड हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग कल से, और कल से हम लोग क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारा होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर 1D मोशन कल रिवाइज करके आना है। कल ये क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर निकल के आया क्या है? इसका आंसर मुझे बताओ अभी क्या है। ये 4 लाइंस दी थी ना, ABBCCD, उनका तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना था ओ पॉइंट पे, क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? कल दिया था ये क्वेश्चन, अभी सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ इसका। एक्यूरेट आंसर चाहिए, पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? क्या आंसर आ रहा है? सभी को करना है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, ये 4 ना तुम्हारी लीनियर चार्ज वायर्स हैं जिनमें आई करंट फ्लो कर रहा है, सबकी डायरेक्शन भी गिवन है। तो लीनियर चार्ज की वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बता दिया इन चारों वायर्स की वजह से। ऑप्शन है 0 √2 μ0I/4πL, 8 √2 μ0I/4πL, और थर्ड ऑप्शन 16 √2 μ0I/4πL, 4 ऑप्शन। मैम 0। बहुत अच्छे, और किसका 0 बोलो, ABCD। गुनगुन का तो 0 आ गया, बाकी किसी का?
यस मैम हो गया। सबका 0 आ गया। अभी बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। आ गया कुछ। ठीक है, सब में सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, कोई सब डिस्टेंस एल है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ही तो निकालनी है। वो पॉइंट पे कितना बड़ा काम है, एक की वजह से कितना आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 2 बाय रूट 2। अब याद है रूट 2 2 बाय रूट 2। अच्छा ये आया है एक की वजह से। टू बाय रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल, यही है ना? यस मैम। 2 बाय रूट 2 है, ठीक है। एक बार देख भी लेती हूँ दोबारा, तब तुम लोगों ने 45 डिग्री तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये डिस्टेंस कितनी आई थी, एल बाय 2। एल बाय 2, तो अगर इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ और ये साइन 45 यानी 2 बाय रूट 2। तो 2 रूट 2 आया है फिर, ये तो 2 रूट 2 आ रहा है। 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल, पाई थोड़ी है, तो तुम फिर से गड़बड़ करा रहे हो। 2 रूट 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एल, एक वायर की वजह से ये आया, ठीक है। दूसरे की वजह से मैग्नीट्यूड यही आएगा, तीसरे की वजह से भी मैग्नीट्यूड यही आएगा, 4 की वजह से भी यही आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो भाई सबकी वजह से सेम आ रहा है। अब बात रही डायरेक्शन, तो एक बार ए बी की वजह से सेंटर की डायरेक्शन देखो क्या आ रही है। हमको रखो करंट की डायरेक्शन में विच इज अपवर्ड्स। अब अपनी ये फिंगर्स को देखो, ओ पॉइंट पे इनवर्ड आ रही है या आउटवर्ड्स आ रही है, बताओ डायरेक्शन बताओ। इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है। अब इसका दूसरा इसकी वजह से, हाँ इसके अपोजिट करंट सीडी, सीडी में देख के बताओ सीडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। आउटवर्ड। अच्छा पहले करो तो करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये तुम्हारी फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को ऐसे रोटेट करो तो ओ पॉइंट पे कैसे जा रही है, मैंने बोला था ना ऐसे स्नेक बने तो इनवर्ड, तो अब ये ऐसे जा रहा है तो स्नेक बन रहा है ना, तो कैसा होगा, इनवर्ड। इनवर्ड तो यानी सीडी की वजह से भी इनवर्ड है, तो इन दोनों की वजह से तो इनवर्ड है, मतलब सेम डायरेक्शन, ये भी पॉइंट, ये सॉरी इनवर्ड यानी क्रॉस, इसकी वजह से भी इनवर्ड। अच्छा अब एसी की वजह से निकालो, एसी एसी अपना थंब रखिए, एसी की डायरेक्शन में करंट यानी तुम्हारा राइट डायरेक्शन में है। अब फिंगर्स को तुम रोटेट करो तो देखो जहां पे तुम्हारा ओ पॉइंट है वहां पे तुम्हारी फिंगर, जो तुम्हारी चारों उंगलियां हैं ये बंद हो रही हैं या खुल रही हैं। ओ पॉइंट बंद हो रही है, मतलब ये समझ लो तुम्हारी तुम्हारी पाम के बीचों बीच ओ पॉइंट है ना, तो ये तुम्हारा फिंगर जो है ये बंद हो रही होंगी ऐसे, है ना। तो यानी इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आई है, इनवर्ड्स। बीडी की वजह से देखो अब कैसे जा रही है फील्ड लाइन, बीडी की डायरेक्शन में ये तुम्हारा थंब और जो ये फिंगर्स हैं ये ऐसे टैप हो रही है ना, तो ये भी क्या है तुम्हारा आउटवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड्स। तो एक की वजह से इतनी है और चारों का तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड सेम है, तो चारों ऐड हो जाएंगी, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया 8 रूट 2
mu naught I by 4 pi L bars. यही आंसर है. इससे ज्यादा टफ क्या ही पूछ लेगा. लीनियर चार्ज में ठीक है. एक क्वेश्चन और दू. एक क्वेश्चन और है यहाँ पे दे रही हूँ. एक क्वेश्चन और करो. ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, जिसमें भी करंट की डायरेक्शन आई है, मतलब मैग्नीट्यूड आई है और डायरेक्शन ये, ठीक है. ये सेंटर का पॉइंट है ओ, और आप मुझे बताएंगे कि ओ पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है. फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट ओ. दिस इज लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है. ये लॉन्ग वायर है, मतलब सर्कल की वजह से सेंटर पे कितना आएगा. इवन यू नॉट आई बाय टू आर फोर आर. अच्छा सॉरी, टू टू पाई आर करेंगे तो यहाँ टू आ जाएगा, राइट. इसकी वजह से लॉन्ग वायर है. लॉन्ग वायर डिस्टेंस ये कौन सा होगा. डिस्टेंस रेडियस आर बस. और इतना क्यों सोच रहे हो. दोनों की तरफ थीटा कितना बनेगा. मैं म्यू नॉट बाय टू पाई आर. कितना म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई टू पाई आर. वेरी गुड. टू पाई आर लॉन्ग वायर है, मैंने पहले बोला. तो मतलब दोनों की तरफ जो ये थीटा 90 डिग्री बनेगा, तो साइन 90 साइन 90 क्या बन जाएगा यहाँ पे. टू पाई आर बस हो. अब बस अब क्या देखना है. फाइनल तुम्हारी घड़ी आ गई है डायरेक्शन की, तो एक बार डायरेक्शन और देख लो खुद से. बताओ ऐड करें या माइनस करें. ऐड हो मैम. एक बार सर्कल की वजह से देखते हैं. सर्कल का डायरेक्ट सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड्स आ रहा है. ऐड राइट. यस मैम. अब एक बार स्ट्रेट लाइन की वजह से देखो. स्ट्रेट लाइन की वजह से तुम्हारी जो फिंगर्स हैं ऊपर वाले पॉइंट पे कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, है ना. और अगर ये सर्कल यहाँ होता तब उल्टा हो जाता. तब फील्ड लाइंस इस स्ट्रेट लाइन की वजह से इनवर्ड्स आती. ऊपर क्या आएंगी, आउटवर्ड्स. तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ हमारी फील्ड है आउटवर्ड्स और यहाँ इनवर्ड्स. तो इस तरीके से डायरेक्शन निकालनी है, ऊपर की तरफ आउटवर्ड, क्योंकि फिंगर्स तुम्हारी खुल रही है ऐसे करके. ये फिंगर्स खुल रही है और जब इस वायर के नीचे लेके आओगे तो तुम्हारी फिंगर्स कर्व हो जाएंगी, ऐसे क्लोज लूप बना रही होंगी ऐसे. तो यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है आउटवर्ड. तो बी नेट क्या हो गया, ऐड हो गया. तो म्यू नॉट आई बाय टू आर कॉमन, वन प्लस वन बाय फाइव. देखा. तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन है, इनसे अलग कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकते. बाकी क्वेश्चंस आएंगे फोर्स के ऊपर, वो जब करेंगे जब हम लोग फोर्स स्टार्ट करेंगे. तो आओ नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हाँ अभी एक चीज रह गई, ये वाला क्वेश्चन देखो.
इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑफ कॉइल एंड ऑन द एक्सिस। अभी एक चीज रह गया, अगर मान लो एक फॉर्मूला, तुम्हारे पास ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है आई। अभी तुमने सेंटर पे फील्ड बताया है, पर कुछ दूर भी तो फील्ड हो सकता है इस पॉइंट पे पी पर, इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो अब इसकी वजह से कैसे निकालेंगे, इसको क्या करें, कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे निकालते थे, कंपेयर विद इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डेरिवेशन सेम एज इट इज है, नहीं कराएंगे डेरिवेशन। यहाँ पे देखो फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, एक ये और एक ये, तो दोनों कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ यहाँ पे और ये P पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे है, ये R रेडियस है, अब मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना आता था। मैम Q x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। वेरी गुड, यही आता था। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो, मान लेते हैं इस कॉइल की रेडियस R है, ये इससे x डिस्टेंस दूरी पे है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्यू की जगह क्या लिखूंगी आई, के प्लस आर स्केयर की पावर 3/2 एज इट इज। अब ये डिस्टेंस एक्स को क्या लिख दूं, ये ऊपर एक्स एज इट इज, तो यही तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे। बोलो, तो अगर कॉइल के लिए, इनसाइड के लिए तो तुम्हें पता था, बाहर के लिए निकालने के लिए किससे कंपेयर कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से, विच इज के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, तो कितना आया, म्यू नॉट आई एक्स बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब एक और तरीके का इसमें चीज बोल सकते हैं कि ये कॉइल है, इस कॉइल के पास एन टर्न्स है, तो ये बोल देगा एक कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस कॉइल के पास If coil has n number of turns, तो क्या करेंगे, तो अब इस टर्म को जो ये मैग्नेटिक फील्ड निकला है P पर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, नंबर ऑफ टर्न्स से, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एक्स बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे ये x नहीं आएगा, यहाँ पे दिस इज ये वाली r का स्केयर, ये याद रखना, बस एक थोड़ा सा चेंज है, ये x इसके लिए आएगा, ये x रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस r स्केयर से, यहाँ पे म्यू नॉट i कैपिटल r स्केयर बाय 4 पाई x स्केयर प्लस r स्केयर की पावर 3/2, ये टर्म याद हो जाएगी। बोलो, डिराइव कराने की जरूरत तो नहीं है कि डिराइव कराऊं, मैम हो जाएगी याद, डिराइव मैम हो जाएगी, इस अगर इसका डेरिवेशन का भी कहीं अगर यूज होता तो मैं पक्का डिराइव भी कराती, इस डेरिवेशन का कहीं यूज भी नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस ये चीजें याद रखनी है, फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई लैम्डा, ये कुछ नहीं है, कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 सेम एज इट इज है, बस इस x को सोच लेना ये r स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। तो अब एक बार ये क्वेश्चन कर दो, कंपैरिजन इसलिए करा रही हूं कि अगर एक भी फॉर्मूला तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है तो सारे मैग्नेटिक फील्ड के भी याद है।
मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ रेडियस ए एंड इट्स एक्सिस, सेंटर पे कितना हो जाएगा? आई बाय टू आर। अच्छा रेडियस ए है तो ए, एंड ऑन इट्स एक्सिस एज इट डिस्टेंस इक्वल्स टू इट्स रेडियस। अब क्या है ये P पॉइंट कहाँ पे आ गया बच्चों? इसके इसी पॉइंट तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे? फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर रखा, फोर पाई एज इट इज रखा। अब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर भी कितना हो गया, x का डिस्टेंस कितना हो गया, a ही तो हो गया a, तो a square plus a square, a square की पावर 3 by 2, कैसे mu, और इसको रिजोल्व करो mu not i a square 4 pi, इसको रूट 2 a लिख सकते हैं और इसका क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ये कर सकते हैं ना, रूट टू ए का स्केयर करके उस स्केयर से स्केयर कट जाता है, दिस इज विल बी गेम क्यू। तो अभी कितना हो गया ये म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन फोर पाई टू रूट टू ए क्यू, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक ए बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या अगर इनका रेशियो करें एक्सिस वाली का और सेंटर वाली का तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कटेगा, अच्छा सेंटर पे है ना, तो इसको एक काम करो इसको उसमें रख लो पाई में ही रखो, म्यू नॉट आई बाय इसको ऐसे ही रखो पाई में, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई ए मल्टीप्लाई बाय टू पाई, इस तरीके से करते चलो, निकालो कितना आ रहा है। One by root two, center of the coil and on its option A. One by root two या one by two root two. ये mu not I by four pi A है. I by four pi A multiply two pi. ठीक है divide करना है तो अगर मैं multiply करूँ तो ये पार ऊपर two root two four pi A upon mu not I. तुम्हारे पास कितना बचा टू पाए, पाए कैसे बचते हैं इनटू टू रूट टू, मैम ऑप्शन डी है शायद मैम। म्यू नॉट आई बाय फोर पाई ए, ठीक है कैलकुलेशन ठीक है, म्यू नॉट आई बाय ए स्क्वायर फोर पाई रूट टू ए क्यूब कैलकुलेशन तो ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ये बनेगा तुम्हारा टू रूट टू फोर पाई ए का खाली ए बचेगा, लगाए
से करो एक बार। अभी नहीं हुआ। शुरू से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में ही कहीं मिस्टेक है। आयुष कितना आ रहा है इसका? हम कर रहा हूँ अभी। मैं एक्सिस के लिए निकालती हूँ, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, यही फॉर्मूला है। ओके, ये नॉट आई आर स्क्वायर है। ये कितना आया? म्यू नॉट आई बाय 4√2/8, और सेंटर की वजह से कितना आता है? यू आई बाय 2a। अब डिवाइड कर दो, यू नॉट आई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 4√2a डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कट गया, a से a कट गया, ये आया तुम्हारा 2√2/1, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा इशू था, ये कहता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो ये हमने ये यहाँ पे ये के की वैल्यू लिखी है म्यू नॉट बाय 4π कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट यूज होगा वो म्यू नॉट बाय 2 यूज होगा। कॉन्स्टेंट इज यहाँ पे 2। मामा एक बार दोबारा बता दो। हाँ बता दे, देखो ये आई और क्या क्या चीजें डिफरेंस है यहाँ पे, सब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये जो चीजें हैं ये सेम रहेगी, क्यू को रिप्लेस कर देगा आई, ये सेम रहेगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो यहाँ पे एन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे कांस्टेंट की, जो ये के कांस्टेंट है इस केस में कितना आने वाला है, तो यहाँ इस केस में जो के आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाय 2, 4π की जगह कितना आएगा म्यू नॉट बाय 2। तो ये कांस्टेंट याद रखना है यहाँ पे म्यू नॉट बाय 2, नॉट 4π, इस केस में ये 4π नहीं है, म्यू नॉट बाय 2 है, और एक्स को रिप्लेस किया है आर स्क्वायर से। तो ये फॉर्मूला है, ये याद कर लें। इसको अगर मैं डिराइव भी कराऊंगी तो उसका कोई फायदा है ही नहीं, तो बस ये सिर्फ याद करने के पर्पस से है। तो उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया है तो तुम्हारा आंसर आया है 2√2, ठीक है। यस मैम। कोई ऐसा तो नहीं है जो चाह रहा है कि मैम ड्राइव करा दो, अगर चाह रहा है तो उसको उसकी स्लिप मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना, ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगी, वैसे उसका कुछ काम है नहीं। तो तुम्हें जस्ट फॉर्मूला याद रखना है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, एक्स इज द डिस्टेंस जहां पे आपको फील्ड फाइंड करनी है, और आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपनी कॉपी में नोट करके लिख लो कि अगर किसी भी एक्सिस पे
कॉइल की वजह से फील्ड बतानी है तो दिस इज द फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। ठीक है आगे बढ़े। यस मैम। आयुष समझ आया? कर क्या दिया बोलो। हाँ हाँ बोलो। क्या कह रहा है आयुष? क्या करूँ फिर? चलाई गया। तो अभी तक तुम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट की वजह से फील्ड फाइंड करना सीख लिया। वन इज सर्कल, सेकंड इज स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। बस यही दो सिलेबस में है। इसके बाद तुम्हारे पास एक लॉ आता है जिसे बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ जैसे गॉस लॉ पढ़ा था उसी तरीके से ये एम्पियर्स लॉ है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स के केस में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस दे जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके का ये फॉर्मूला है। ये क्या कहता है, सपोज करो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और आपको उनके वजह से फील्ड बतानी है किसी भी पॉइंट पे। सपोज करो यहाँ पे पी पॉइंट पे आपको फील्ड बतानी है, तो एम्पियर्स क्या कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड बतानी है उस पॉइंट पर आप एक लूप बना दीजिए, उस पॉइंट पे आप एक लूप बना दो। ठीक है, अब जब आप उस लूप को बनाएंगे तो आपको क्या करना है, अच्छा ये डीएस नहीं है, ये लाइन इंटीग्रल है। जब आप इस लूप का लाइन इंटीग्रल करोगे और यू नॉट इंटू आई, आई क्या है कि इस लूप के अंदर जितना करंट इनक्लोज्ड है उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो कि इसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, क्योंकि देखो आई गिवन होगा तुम्हें, इस लूप के अंदर कितना आई है वो तुम्हें निकालना है, आई इंक्लूड। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, डीएल क्या है जो तुमने लूप बनाई है उसका लाइन इंटीग्रल। हमेशा लूप बनेगी, कोई क्लोज्ड सरफेस नहीं बनाएंगे, तो हमेशा लूप बनेगी, तो दिस इज द लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल करोगे और उसके अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज्ड है उस लूप के अंदर वहां से तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब एम्पियर्स लॉ की एक लिमिटेशन आती है कि यहां से तुम क्या नहीं फाइंड कर सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो आप एम्पियर्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आप लूप बनाओगे उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ देखो क्या कह रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द टोटल स्टेडी करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। यानी इस क्लोज्ड पाथ से जितना भी करंट पास हो रहा है वो तुम्हारा आई है। तो क्लोज्ड पाथ में तुम्हें क्या देखना है, आई की वैल्यू। जैसे गॉस लॉ में क्या देखते थे, एक क्लोज पाथ में चार्ज देखते थे। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली तुम्हें क्या देखना है, आई इनक्लोज्ड। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, गॉस लॉ में क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल है ना, वहां पे क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू कितना होता था, तो वहां पे होता था सरफेस इंटीग्रल, वहां पे बनाते थे 3D सरफेस, जो गॉसियन सरफेस था, गॉसियन सरफेस इज अ 3D सरफेस। जब भी बनाना होता था, कोई चार्ज इनक्लोज करना होता था, तो तुमने अभी जब सॉल्व किया था क्या बनाते थे, कोई कंडक्टर बना रहे थे या कोई स्फीयर बनाते थे, तो वहां पे हम लोग लेते थे एक इनक्लोज्ड स्फीयर। बट एम्पियर्स ने बोला है तुम्हें क्या लेना है, लाइन इंटीग्रल, मतलब एक लाइन बनानी है, एक लाइन चार्ज, एक क्लोज्ड लूप बनानी है। और ये लूप कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड नहीं होनी चाहिए, यानी जिसका हम क्या कर सके, लाइन इंटीग्रल कर सके, बस इसने ये बोला। दूसरा, इसने किसकी बात बोली, डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन कैसे लें, जैसे कि चार्ज होता था तो चार्ज में तो तुम्हें दिख जाता
कि प्लस चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, पर यहाँ पे आई की टर्म्स में कैसे लिखेंगे प्लस माइनस, तो इसने एक डायरेक्शन के लिए भी एक तरीका बताया कि सपोज करो एक आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और एक आई करंट, एक आई टू करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मुझे यहाँ कहीं पे पी पॉइंट पे फील्ड बतानी है इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। आई वन और आई टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें फ्लो कर रहा है आउटवर्ड्स, और ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है इनवर्ड्स, और ये कैसे रखे हुए हैं दो ऐसे हॉरिजॉन्टली इन टू द प्लेन, ठीक है, इन टू द प्लेन रखे हुए हैं। अब पी पॉइंट पे तुम्हें बतानी है भाई फील्ड, तो अभी देखो कैसे करेंगे। एमपीएस ने बोला सबसे पहले एक लूप बनाओ, जिस पॉइंट पे फील्ड बतानी है उससे गुजरती हुई, तो तुमने एक लूप बनाई, ठीक है भाई। अब अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करना चाहो तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो देखो हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट होनी है तभी तुम ये वैलिड है, अदरवाइज तो वैलिड ही नहीं है। तो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड वैलिड है तो तुमने बी बाहर ले लिया, इंटीग्रल करोगे लाइन इंटीग्रल डीएल का, डीएल क्या है ये लूप, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब वो आई इनक्लोज तुम्हारे पास दो है, एक आई वन और एक आई टू, अब इनका डायरेक्शन तुम्हें लेना है कि भाई कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो कैसे लेंगे। अब इसने बोला कि सपोज करो तुमने जो लूप की डायरेक्शन ली है वो इस तरीके से ले ली, कि तुमने लूप बनाई है वो लूप इस तरीके से है, ठीक है, इस लूप की डायरेक्शन तुमने ऐसे बनाई है, जो करंट इस लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करे, जो राइट हैंड थंब रूल को जो करंट फॉलो करेगा उसे पॉजिटिव ले लेना, जो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे क्या ले लेना नेगेटिव। तो मुझे एक बार बताओ कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कौन सा करंट फॉलो कर रहा है, आई वन, आई, तो आई इज फॉलोइंग, तो यहाँ पे मैं बी को बाहर ले लू, रियल इंटीग्रल है म्यू नॉट, तो आई वन इज फॉलोइंग, तो आई वन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव का, और आई टू कैसा आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसने ऐसे डायरेक्शन बताया, ठीक है, जो उस लूप के अकॉर्डिंग करंट फॉलो करे राइट हैंड को पॉजिटिव ले लो, जो ना करे उसको नेगेटिव ले लो, और एक लूप इंटीग्रल बना लो क्लोज इंटीग्रल, और उसका लेंथ एलिमेंट ले लो। अब लेंथ एलिमेंट कैसे लोगे, मान लो तुमने ये कंप्लीट सर्कल बनाया है और इस पी से लेके सेंटर की डिस्टेंस एल है, और मान लो ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा क्लोज इंटीग्रल का एरिया 2πr, है ना, 2πr। yes, तो बस इसी तरीके से तुम्हें ड्रॉ करना है, इस एमपीएस लॉ ने सिर्फ इतना ही बताया, इसकी कुछ कुछ एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन सब लोग करेंगे, पर उससे पहले आप लोग एक बार ये क्वेश्चन करो, एम्पियर लॉ पे बेस्ड है। क्या है, क्या समझ आया, देखो एम्पियर लूप तो गिवन है, ये जो तुम्हारे पास ये लूप है बी ए सी डी, ये एम्पियर लूप है, और लूप की डायरेक्शन भी तुम्हें दी हुई है, ठीक है, लूप भी गिवन है, लूप की डायरेक्शन भी, और एक चीज देखो दो प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो दोनों के लिए जब लूप लॉ लगाओगे एम्पियर का तो अलग अलग लगाओ, पहले वर्टिकल प्लेन के लिए लगाओ, वर्टिकल लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड को कैसा होना चाहिए
कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा इससे मतलब ही नहीं, हमें बी डॉट डी एल निकालना है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में मुझे आई की वैल्यू बताओ कैसे कैसे लेंगे। वर्टिकल प्लेन में कितने कितने आई हैं, कितने करंट चार्जेस हैं वर्टिकल में। देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन है मम थ्री, ठीक है। देखो एक तो आई वन और एक आई टू जो इस प्लेन से तुम्हें दिख रहा है कि आ रहा है ना ये। फिर उसके बाद ये किस में चले जा रहे हैं, तुम्हारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो तुम्हारा आई टू करंट है, मैं भी तो देखती हूँ, ये आई वन है ये आई थ्री है, ठीक है। आई टू करंट क्या हॉरिजॉन्टल से पास हो रहा है, एक बार ध्यान से मैं सब सारे ये रब कर रही हूँ। yes. आई थ्री को देखो, आई वन और आई टू तो कर, आई और आई वन और आई थ्री तो कर रहे हैं, एक बार ध्यान से आई टू को देखो, क्या आई टू वर्टिकल प्लेन में है? नो मैम, नो मैम, हाँ तो आई टू वर्टिकल प्लेन में है ही नहीं, तो मैं आई टू को देखूंगी नहीं। मेरे पास वर्टिकल प्लेन में दो करंट है विच इज आई वन एंड आई थ्री। तो अब मुझे एक बार डायरेक्शन बताओ लूप के अकॉर्डिंग, तो वर्टिकल में लूप कौन सा बना तुम्हारा, ये बी ए सी, इतना ही बनेगा ना बस, बी ए सी। यस मैम, हाँ तो बी ए सी में डायरेक्शन लगाओ। अब बताओ या तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रख लो और फिर देखो लूप कैसी होनी चाहिए, क्लॉक वाइज होनी चाहिए एंटी क्लॉक वाइज। डायरेक्शन राइट थंब को रखो राइट की डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो जो लूप आएगा वो कैसा आना चाहिए, वर्टिकल क्लॉक वाइज और एंटी। देखो डिफरेंस क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो तुम ये कर रहे हो, क्या मतलब है इसका। देखो वर्टिकल प्लेन में कुछ इस तरीके से लूप है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लूप ऐसे है, ठीक है। अब देखो वर्टिकल प्लेन में तुम्हारा करंट ऐसे आ रहा है, ये आई वन और ये आई थ्री। अब खुद बनाओ आई वन और आई थ्री के अकॉर्डिंग करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, क्लॉक और एंटी क्लॉक। इस लूप में देखो करंट एंटी क्लॉक है कि नहीं, है ना, एंटी क्लॉक है बिल्कुल। तो यानी आई वन और आई थ्री कैसे ले लूं, पॉजिटिव ना। यस मैम, हाँ। अभी आओ अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन से करंट है, आई टू और आई थ्री। तो एक तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है आई टू, एक ऐसे जा रहा है आई थ्री। और लूप की डायरेक्शन देखो कैसी है, इस तरफ से करंट जा रहा है, यानी कैसा करंट, कौन सा है डायरेक्शन, एंटी है या क्लॉक वाइज है, ऐसे है। देखो इस तरीके से जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब कोई किसी की भी डायरेक्शन देख लो, लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, भाई अपनी फिंगर्स घुमा दो इसके अकॉर्डिंग, लूप के अकॉर्डिंग। तो करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। यस मैम, तो म्यू नॉट, तो आई टू पॉजिटिव हो जाएगा, आई थ्री नेगेटिव। यस और नो? यस मैम, ठीक है। यस मैम, तो ये तुम्हारी जो लूप थी, ये लूप थी बी सी ए वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल लूप है तुम्हारी सी डी ए। अब टोटल निकालना है तो इन दोनों का ऐड कर दो, तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई थ्री से आई थ्री कट के आई वन प्लस आई टू। यस मैम, ओके। यस मैम, समझ आ गया। तो यही है लूप, वो एम्पियर्स लॉ, डायरेक्शंस देखनी है। और ये ना प्लेन में कंफ्यूज मत हुआ करो, ये बस ऐसे है कि एक सर्कल ऐसे है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में ऐसे है बस, ठीक है।
अब ये है एप्लीकेशन लॉन्ग, जो अभी तक तुमने ये स्ट्रेट वायर का जो थीटा स्मॉल छोटू एलिमेंट लेके करते आए हो, उसके अलावा एमपीएस ने बोला कि इतना टफ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक आसान तरीका बता रही हूँ। तो ये इन्होंने एक आसान तरीका बताया है, क्या बताया है कि आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, आपको किसी भी फील्ड निकालना है तो एक क्या कर दो, लूप बना दो। ये लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड और कैसा, लाइन इंटीग्रल। मैम लाइन इंटीग्रल, यही याद रखना है, लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है क्लोज नहीं, मतलब क्लोज्ड, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ बार बार, क्लोज्ड का मतलब है 3D से, ठीक है। हाँ, अभी मान लो ये डिस्टेंस यहाँ वायर से r दूरी पे है, तो एमपीएस का फॉर्मूला एक ही है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब देखो सिर्फ इतना एरिया इनक्लोज करो या सारा एरिया इनक्लोज कर लो, हर पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, सेम भाई, जितना इस पॉइंट में करंट फ्लो करेगा उतना ही इतने इतनी वायर में फ्लो करेगा आई, है ना। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तभी ये लूप लगा सकते हो, यानी हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाला है हर, तो बी को ले लो बाहर, ये हो गया डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यानी जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है विच इज आई, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, डी एल कितना हो जाएगा, पाई आर। तो ये लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इतना ही फील्ड हम लोगों ने उस एलिमेंट से लेके नहीं किया था थीटा बीटा से, ठीक है। तो कितना आया, एक म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर, तो समझ आ गया। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, अभी तक तुम पढ़ लिया ही होगा इतना, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एप्लीकेशन है। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ड्यू टू ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल पाइप। अब इसमें देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ ड्यू टू अदरवाइज लगाई नहीं पाओगे या सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, ड्यू टू करंट कैरिंग। तो अभी मान लो तुम्हारे पास एक ये पाइप है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही होगा, मान लो इसकी रेडियस आर है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि मुझे इसकी वजह से मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, अब आप मुझे बताइए कि इस सिलेंडर की वजह से यहाँ पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, पी पॉइंट पे। मान लो कैपिटल आर और इसको ले लो स्मॉल आर, मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी। बताओ भाई, अब तुम्हारा काम शुरू, मैं एक घंटे से पढ़ा रही हूँ, तुमने क्या पढ़ा, मैम म्यू नॉट आई बाय टू पाई स्मॉल आर इनटू एल। अब मुझे ये पॉइंट पी मैंने सरफेस पे ले लिया, आप बताओ क्या कह रही हूँ। अब ये पॉइंट पी मैंने यहाँ पे ले लिया,
पी पॉइंट यहाँ ले लिया तो कितना हो जाएगा, पी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई यहाँ पे पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जब लूप बनाओगे तो करंट अभी भी आई इनक्लोज हो रहा है, बट अभी लेंथ एलिमेंट कितना हो जाएगा, टू पाई इसका रेडियस, अभी रेडियस कितना है इसका, डिस्टेंस कैपिटल आर, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय टू पाई कैपिटल आर, डैश मान लो, तो ये पी डैश के लिए है, पी पॉइंट पे कितना आएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई, डिस्टेंस कितना है देखो स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर। तीसरा केस इनसाइड, अभी मैं पी पॉइंट को इनसाइड ले आई हूँ, ये पी पॉइंट यहाँ पे है, अब एक बार मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना आएगा, मैम जीरो, क्यों मैम अंदर करंट थोड़ी ना फ्लो कर रहा, अब अगर यहाँ पे तुम अंदर लूप भी ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा आई इनक्लोज कहाँ है, बाहर है, तो इस केस में तुम्हारा आई इनक्लोज कितना है, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया है, बी इनसाइड जीरो, चाहे तुम गाना गा के सुना रहे, सभी को सुना दो भाई अच्छे से, ठीक है। अभी दूसरा केस क्या ले रहे हैं, अभी दूसरा केस है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रॉड हैविंग यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, सेकंड केस है तुम्हारा, कि अब जो मैंने पाइप या रॉड लूंगी उसके पास जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, तो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का क्या मतलब है कि पूरे एरिया में करंट होगा, बोलो कि जितना करंट आई यहाँ है, जो करंट है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, ठीक है। तो अभी अगर मैं पॉइंट पी को बाहर लूं तो अभी कितना आएगा, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है इतना, टोटल करंट आई है, तो P पॉइंट अगर अभी भी बाहर लेती हूँ, मान लो सेंटर से ये R डिस्टेंस की दूरी पे है और इस पाइप की रेडियस है कैपिटल R, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, करंट इनक्लोज तो टोटल अभी भी कितना आएगा इसमें I है ना, तो टोटल करंट इनक्लोज I है, तो अभी भी B कितना आने वाला है, म्यू नॉट I बाय टू पाई R, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को इसके सरफेस पे ले आऊं तो अभी भी कंडीशन सेम ही रहेगी, करंट उतना ही रहेगा, कितना इनक्लोज्ड जितना उसके बाहर था, क्योंकि भाई अगर तुम बाहर ले गए किसी पॉइंट को तो लूप बनाओगे करंट इनक्लोज तो अभी भी उतना ही है, उसके सरफेस पे आ गए जब लूप बनाओगे तो करंट जितना उस पूरे सर्किट पूरे उस कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो कर रहा है वो आई है, वो अभी भी आई ही रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो गया टू पाई कैपिटल आर, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हुआ, आई इनक्लोज तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनसाइड के केस में यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आई इनक्लोज जीरो तो नहीं है, यस और नो, यस मैम हाँ, आई इनक्लोज जीरो तो नहीं है, पी पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आई
तो मान लो ये सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे है, तो तुमने स्मॉल आर दूरी पे ही एक लूप बनाओगे, ये तो है नहीं, ये स्मॉल आर है तो तुम यहां से कैपिटल आर ले गए, ये तो कर नहीं सकते। तो सेंटर से ही स्मॉल आर पे है, तो अब आप मुझे बताओ कि कितना फील्ड आएगा, और आई इज द करंट डेंसिटी, बोलो कैसे करेंगे। यानी तुम्हें निकालना होगा जो ये आर वाली लूप बनाई है इसके अंदर जो एरिया है उसमें कितना करंट है, क्योंकि आई करंट कितने एरिया में फ्लो कर रहा है, कैपिटल पाई आर स्क्वायर में, और इस पूरे एरिया में आई करंट फ्लो कर रहा है ना, पाई आर स्क्वायर में। तो तुम्हें इस छोटू से एरिया के लिए निकालना है कितना करंट फ्लो करेगा, बोलो, करो कोशिश, कोशिश करो। करंट निकालो इस छोटू एरिया में, तो देखो पूरे एरिया में पाई आर, अगर पूरे एरिया में आई करंट है तो एक यूनिट एरिया में कितना करंट होगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर। और मुझे किस एरिया में चाहिए, इस छोटू आर में, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी क्या आएगा, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो बी डीएल कितना है, टू पाई स्मॉल आर म्यू नॉट। तो अब इस एरिया में कितना आई इनक्लोज है, पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये एक आर से एक आर कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, आई आर बाय टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो यस, यस और नो। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या था, कि जो करंट आई पूरे फ्लो कर रहा है वो पूरा एरिया में फ्लो कर रहा है, टोटल पूरे एरिया में। तो यानी छोटा एरिया तो उसमें कुछ कम अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो कैसे निकाला भाई, सिंपल अपना जैसे निकालते हैं, एक के लिए निकाल लिया, फिर जितने के लिए निकालना उसे मल्टीप्लाई। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, इतने में एक चीज सॉल्व कर रही हूँ, एक पढ़ो इसको क्या लिख रहा है और एक बार ट्राई टू सॉल्व इस। सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ पे छोटे एरिया के लिए करंट निकाला है, सेम यही करना है तुम्हें यहाँ पे। पढ़ो एक बार, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखो ये दो तरीके के सर्कल हैं, एक तो यहाँ पे है एक स्मॉल कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट एन इनर सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, एक ये रेडियस है जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, आई करंट। अब दूसरी एक के आपके पास एक सिलेंडर है, और ये वाली रेडियस टी है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे एरिया है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है, अगर इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, है ना। अब आपको बताना है कि आर पॉइंट जो कि बी और सी के बीच में है, यानी ये बी है रेडियस और ये सी वाला एरिया है और आर कहीं यहाँ पे आएगा, तो तुम्हें बताना है बी टू सी वाला जो एरिया है उसमें कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, यानी कितने एरिया आर कहीं यहाँ पे बीच में पॉइंट आएगा, यस और नो? यस मैम। हाँ, इसने पहले बोला है कि आर इज द पॉइंट जो कि बी से बाहर है, सी के सी से स्मॉल है, बी से बड़ा या सी से स्मॉल, ये रहा, तो यही तुम्हें बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिएगी, पहले तो करंट डेंसिटी, तो दो की वजह से फील्ड आएगी, एक बार तो अंदर इस वाले के लिए लिख लेते हैं, वन के लिए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वही म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो टोटल आई इतना कितना इनक्लोज है मान लो आई। अब दूसरा देखो बी टू, इसकी वजह से म्यू नॉट, अब तुम्हें चाहिए आई इनक्लोज, तो आई इनक्लोज कितना है, वो निकालो, तो टोटल आई मतलब पहले तो निकालो एक यूनिट के लिए कितना है और फिर तुम्हें जितनी यूनिट के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई करिए, इस मतलब ये आई करंट बी से सी के बीच में है तो कितना आएगा करंट, आई करंट कितना एरिया में है, पाई बी स्क्वायर माइनस सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि सी वाला रेडियस बड़ा है, ये देखो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले एरिया में ये करंट, यस और नो? बी के अंदर तो करंट है ही नहीं ये एरिया में, तो बी से सी तो बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक यूनिट में करंट कितना हो गया पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे एक यूनिट में हो गया आई अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना एरिया के लिए चाहिए मुझे बोलो, एरिया रेडियस कितना, पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर, आर क्या है कितने मैम, सी माइनस बी, सी माइनस बी तो टोटल है ना, मान लो ये तुम्हारा C है ये तुम्हारा B है, इसमें ये टोटल करंट I है, तुम्हें चाहिए इस R तक के लिए कि इस R वाले एरिया में कितना करंट है, यहाँ पे कहीं R पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, अब बताओ ये R पॉइंट है ना कहीं पे B और C के बीच में, करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला है कितना मल्टीप्लाई करूं, होश हो बैठे हो सारे जने, इतना टफ सवाल भी नहीं है, सुनो यहाँ पे तुम ही बताओगे, देखो क्वेश्चन क्या है, ये है तुम्हारा बी, ये है तुम्हारा सी पॉइंट, अब क्या है बी से सी के बीच में टोटल करंट कितना है,
देखो ये सॉलिड सिलेंडर है ना, ये बी से सी के बीच में कितना करंट है? आई करंट है, यानी पूरे आई करंट कितने एरिया में है? पाई डी स्क्वायर माइनस सी, सॉरी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। भाई इसके अंदर तो है ही नहीं करंट, बी के अंदर तो सारा करंट बी से सी के बीच में है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि एक और कोई रेडियस मैंने ली है जो बी से आर डिस्टेंस दूरी पे है, इसमें कितना करंट आएगा इस एरिया में? अगर एक यूनिट में करंट आया आई अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा? R square minus B square. अच्छा R square minus B square लूं या B square minus R square लूं? R square minus B square में से B minus कर रहे हो तो मतलब कितना क्या लेंगे? B square minus R square. देखो उसमें C capital C बड़ा था ना, तो C में से हमने B को minus किया, अब डायरेक्शन देखो दोनों में क्या है, एक की क्लॉक और एक की एंटी क्लॉक, यानी दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस कर देते हैं। आई कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा? वन माइनस आर स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर माइनस बी स्केयर, माइनस कर दिया दोनों। भाई डायरेक्शन देखो, एक की तरफ, एक आगे की तरफ है और एक बैकवर्ड, तो यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएंगी, तो हमने माइनस किया। अच्छा ये साइन माइनस बी स्केयर है तो बाहर माइनस है, तो दिस विल बिकेम प्लस बी स्केयर, तो क्या आंसर आएगा? एलसीएम ले लेते हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यार सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और म्यू नॉट आई। दिस इज योर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट बी टू आर, आया समझ में? किसको और किस 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 को डाउट आ रहा है? कुछ नहीं था, देखो यहाँ पे ये बी से सी के बीच में करंट था, बस बी से सी के पूरे एरिया में आई करंट डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब तुमसे पूछा है मुझे बी टू आर के लिए बताओ, तो तुम्हें बी टू आर के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ये उतने का डिस्टेंस एरिया, तो बस वही किया है। दोनों का करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी वन और बी टू को माइनस कर दिया, म्यू नॉट आई कॉमन ले लिया, वन माइनस ये आर स्केयर, ये देखो यहाँ पे आर स्केयर माइनस बी स्केयर है, इसके बाहर माइनस की वजह से ये अंदर का साइन प्लस हो गया। एलसीएम ले लिया सी स्केयर माइनस बी स्केयर को, तो सी स्केयर लिखोगे बी स्केयर से, बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस आर स्केयर, म्यू नॉट आई बाहर कॉमन में था वो बाहर आ गया, ठीक है। ये एस सी बी का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। बी वन कैसे निकाला था? बी वन कैसे निकाला था? एक सेकंड, इवन कैसे निकाला है? म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो जो करंट आई, अब देखो आई वाला जो ये वाला करंट है आई वाला, इसमें तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि एरिया में करंट है, यहाँ पे पूरा करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, कितने रेडियस में? ए रेडियस, तो इसके लिए मैंने डायरेक्ट बी कितना ले लिया? म्यू नॉट आई, यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो बी से सी के बीच में फ्लो कर रहा था, यहाँ ये दिक्कत था, अब इस सिस्टम में नहीं था, तो इसके लिए डायरेक्ट करंट ले लिया म्यू नॉट आई, ठीक है। ये क्या था? पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, पीपीटी, उसमें एक बार गो थ्रू कर लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय। Bye, man.